जय हिंद जोहार। कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन बाबू। अगर आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आप भी झारखंड पुलिस का वर्दी पहने आप अपने सपनों को साकार करें तो हिंदी पेपर पे आपकी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी पेपर ही एक निर्णायक पेपर साबित होने वाला है। झारखंड पुलिस में दो पेपर का एग्जाम होगा और दोनों पेपर में हिंदी पूछा जाएगा। मतलब हिंदी पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं तो झारखंड पुलिस के कुल सिलेबस का 80% सिलेबस आप यहीं कवर कर लेते हैं। इस बार द यूनिक क्लासेस का भी जिद है कि आपको पुलिस बना करके ही रहेगा और मेरी मेहनत तब सार्थक मानी जाएगी जब आप झारखंड पुलिस का वर्दी पहन करके मेरे पास आएंगी। मेरी मेहनत तभी सार्थक मानी जाएगी। तो आप हम लोग को कदम से कदम मिला करके चलना है और इसी चीज को ध्यान में रख करके लगातार द यूनिक क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस आपके सामने लेकर के आ रहा है। चाहे आपके हिंदी सिलेबस के अनुसार क्षितिज भाग टू पढ़ना हो या कृतिका भाग टू पढ़ना हो, आपको हम लगातार पढ़ा रहे हैं। और अगर हम पढ़ा रहे हैं बेहतरीन ढंग से चीजों को लेकर के चल रहे हैं। बेहतरीन ढंग से चीजों को लेकर के चलने का मतलब सिर्फ यही है कि आपका सिलेक्शन हो, लाइन बाय लाइन चीजों को लेकर के चल रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रख करके आज हम क्षितिज भाग टू का एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है कन्यादान। आपने सुना होगा कन्यादान के बारे में। कन्यादान एक ऐसा शब्द जो सुनता है उसका दिल पिघल जाता है। कन्यादान हमारे रीति रिवाज के अनुसार ये विधि का विधान है हो बाबू कि कन्या को दान करना ही पड़ता है। वो सौभाग्यशाली होते हैं माता पिता जो अपने कन्या को दान करते हैं। और हमारे रीति रिवाज के अनुसार सबसे बड़ा दान कन्या दान को ही माना गया है। और हम और आप किस खेत के मूली हैं? जब राजा जनक जैसे बेटी सीता को कन्यादान किए थे तो हम और आप क्या हैं? ये हम लोग का विधि ही है कि कन्यादान करना ही होता है। जब बच्ची एक उम्र में चली जाती है तो उनका शादी विवाह करना होता है, और जब शादी विवाह करना होता है उन्हें ससुराल भेजना पड़ता है। उस समय समझिए कि एक माता पिता के लिए एक बड़ा दुख का भी पल होता है तो एक बड़ा खुशी का भी पल होता है। इसी चीज को ऋतुराज जी बड़े ध्यान से अनुभव करते हुए इस समाज की सारी चीजों को देखते हुए वो अनुभव किए हैं और वही चीज को लिखे हैं कि किस प्रकार से एक माँ अपने बेटी को ससुराल जाने से पहले समझाती है। एक बेटी एक बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। एक बाप कितना भी परेशान क्यों ना हो अपने बेटी को एक फूल के जैसा पालता है, और वही बेटी को ये पता नहीं रहता वास्तविक दुनिया के बारे में। उन्हें बाप घर रहती है तब तक उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ व सिर्फ उस समय सुख देखे हुए होती है जब वो अपने ससुराल चली जाती है और उनको घर की जिम्मेदारियां मिलती है, तब उन्हें वो जिम्मेदारियां का एहसास होता है। उसी चीज को पहले माँ समझा देती है अपने बेटी को। और ऋतुराज जी इस पंक्ति के माध्यम से बड़ा बेहतरीन ढंग से एक समाज को संदेश देते हुए कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? ओकर माई का दुख। जब एक बेटी का विदाई होता है, एक बेटी का विदाई, एक बेटी एक फूल के जैसा पली बढ़ी अपने घर में होती है, उन्हें कोई दुनियादारी की चिंता नहीं होती है, सिर्फ वह सुख के बारे में जानती है। दुख क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, ये बेटी को पता नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप रहते हुए अपने बच्चों पे जिम्मेदारी का बोझ नहीं लाना देना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी होती है, विधि का विधान है कि ससुराल जब भेज दिया जाता है तो ये माँ पहले समझा देती है। और माँ का समझाते हुए चीजों को ऋतुराज जी बड़ा बेहतरीन ढंग से अनुभव करते हुए लिखते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कितना प्रामाणिक मतलब कितना वास्तविक था उस माँ का दुख। उस माँ का दुख कितना वास्तविक था। लड़की को दान देते वक्त, लड़की को दान देते वक्त जो उसकी माँ समझाती है, वो दुख को जो व्याह करती है, वो दुख कितना वास्तविक था, जैसे वही उनकी अंतिम पूंजी हो। हर माता पिता का जो अंतिम पूंजी के रूप में जो बच जाता है, सिर्फ उनके संतान ही बचते हैं। क्या धन दौलत बचता है?
नहीं बचता है। अगर कोई हंसी मजाक में भी गांव घरवा में कहता है कि रे तो ये गरीब ही, लेकिन वो गरीब आदमी फिर उछल के बोलता है कि कैसे गरीब ही हो, कहाँ कैसे हम गरीब हैं, अरे मेरे पास मेरे बेटा और बेटी हैं तो हम गरीब कैसे हुए हैं। तो इस प्रकार से वहां से भी आप अंदाजा लगा जा सकते हैं कि समाज के वो व्यक्ति तब तक गरीब नहीं है जब तक उसके पास उनके संतान है। वही कहता है यहाँ कि वो माँ ऐसे वो माँ को देख करके प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी अंतिम पूंजी हो, वही उनके अंतिम पूंजी है। बेटी का विदाई होने के बाद उसके पास अब कोई सहारा नहीं बच जाएगा, उसके पास कोई पूंजी नहीं बच जाएगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। देखिए माँ बाप के नजरों में कभी भी कोई बच्चा सयान नहीं होता, वो हर माँ बाप के नजरों में सभी संतान बच्चे ही होते हैं। तो माँ का ये दुख है। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, ये अभी इतनी भोली सरल थी, वो अभी इतना उनके अंदर भोलापन था, वो छल प्रपंच को नहीं जानती थी, वो जिम्मेदारियां को नहीं सही थी, पूरे दुनिया को वो नहीं समझ पाई थी, अपने बाप के घर में रहती थी, फूल के जैसा उन्हें पाला गया, तो वो एक सरल ही थी, माहौल उन्हें वैसा ही दिखाया गया था, वो एक सरल थी, भोली थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख का आभास होता था मतलब ये हुआ कि वो सुख के बारे में बेहतरीन ढंग से जानती थी, क्योंकि अपने बाप घर केवल सुख ही तो देखी। बाप कितना ही क्यों ना गरीब हो, अपने बेटे के वो हर ख्वाहिश को, अपने बेटिया की वो हर ख्वाहिश को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार से वही कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन सुख बाँचना नहीं आता था। सुख का आभास मतलब सुख के जिंदगी को वो जीना जानती थी, लेकिन दुख अपने जीवन में अगर आ जाए तो वो दुख को निपटारा कैसे किया जाए, वो दुख का समस्या का समाधान कैसे किया जाए, वो बेटी अभी तक भी नहीं जानती थी। लेकिन पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंध पंक्तियों की, मतलब वो पूरी तरह से वो पूरी दुनिया नहीं देखी हुई थी। जिस प्रकार से अगर लाइट ना हो और अगर आप किताब पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा हो तब वो अक्षर को अंदाजा आज लगा करके पढ़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी लड़की अपने बाप घर से ससुराल जाने के लिए होती है तो बड़े बड़े सपने देखती है कि ससुराल जाएंगे तो खूब मौज मस्ती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, लेकिन उन्हें वास्तविक जिम्मेदारी के बारे में पता नहीं होता है। जिस प्रकार से आप अंधेरे में किसी भी किताब को अंदाजा लगा कर पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो लड़की अपने बाप के घर में रह करके, अपने पिताजी के घर में रह करके ससुराल की जिंदगी का सिर्फ अंदाजा लगाती है, वास्तविकता की उन्हें पता नहीं होती है। यही चीजें यही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ रेबंद पंक्तियों की, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे मत पर मत रिझना। यही माँ समझाते हुए कहती है, यहाँ माँ समझाते हुए कहती है, देखिएगा चीजों को, देखिए माँ तो यहाँ समझाइए रही है। ये विदाई का पल है और आपको आप बड़ा बेहतरीन ढंग से देखे होंगे विदाई के पल को। यहाँ माँ समझा रही है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। हे बेटी तुम जा रही हो ससुराल, तुम जाओ, लेकिन कभी ये अपने सुंदरता पे गर्व मत करना। सुंदरता पे तुम अपना कभी भी अपना ये सुंदरता पे गर्व मत करना। माँ ने कहा पानी में झाकर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, यहाँ के लिए होगा, आग सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ये भी समझा करके भेजती है कि बेटी तुम जा रही हो ससुराल तो ठीक है, लेकिन जो चीज जिस काम के लिए है उस चीज को वही काम में लाना। अगर आग रोटी सेकने के लिए है अर्थात खाना बनाने के लिए है तो वो खाना बनाने के लिए ही काम में लाना। ऐसे आजकल के समाज में क्या होता है कि अधिक जिम्मेदारी हो जाती है या तो कोई संकट में आदमी पड़ जाता है तो वही आग से अपने आप को जला लेता है। तो बेटी तुम ऐसा काम मत करना, ऐसा काम तुम मत करना। अगर आग जलाना आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, तो तुम अपने आप को इसे खत्म करने की कोशिश मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, और ये तुम एक लड़की हो, वस्त्र और आभूषण पहनने होंगे, लेकिन ये सिर्फ ये
सजने की एक वस्तुआ है, ये मां समझाती है कि ऐसा नहीं है कि तुम अगर वस्त्र पहन लेती हो और आभूषण पहन लेती हो तो तुम इसके बंधन में बंध जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम एक लड़की हो तो सिर्फ सजने सवरने का एक वस्तु रूपी एक चीज ही है, इसको यही तुम समझना। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, ये स्त्री जीवन के ये समझिए वस्तु है जो सजने सवरने में काम आते हैं। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ये भी लास्ट में कहती है कि बेटी तुम जा रही हो ससुराल, तो ठीक है तुम लड़की, माँ ने कहा लड़की होना, लड़की होना इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर करुणा की भाव होनी चाहिए, दया की भाव होनी चाहिए, ममता की भाव होनी चाहिए। यही कहती है कि लड़की तुम होना बेटी, लेकिन पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर तुम पे ये समाज तुम्हें प्रताड़ित करे तब तुम उस प्रताड़ना को मत सहना, ऐसा तुम मत समझ लेना कि हम चूड़ी पहने हैं या तो हम जेवर पहने हुए हैं, हम साड़ी वगैरह पहने हुए हैं तो मेरा कर्म ही है प्रताड़ना को सहना, ऐसा तुम बिल्कुल मत समझना बेटी। इसलिए यहाँ कहती है कि अगर तुम सही हो तो तुम डट करके भी विरोध करोगी, है ना, यही है। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना, करुणा की भाव तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ममता की भाव होनी चाहिए, दया की भाव होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई तुम पे प्रताड़ना करे तो तुम उस प्रताड़ना को मत सहना, लड़की होकर भी तुम लड़की जैसा दिखाई मत देना, नहीं तो ये समाज है अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं छोड़ता है। यही थी बाबू आज की आपकी ये क्लास, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कन्यादान को आप बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ पाए होंगी। अब हम आपको इसके जो लेखक, इसको कवि, कविता लिखने वाले को कवि कहेंगे, कवि के बारे में बेहतरीन ढंग से चीजों को हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले भी हम आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे दें कि अगर आप झारखंड पुलिस, अगर आपका सपना ही है झारखंड पुलिस बनने का, तो झारखंड पुलिस बनाने की जिम्मेदारी अगर द यूनिक क्लासेस लिया है तो वो हमेशा की तरह पूरा ही करेगा। तो आपको पेपर वन और पेपर टू की तैयारी झारखंड पुलिस की द यूनिक क्लासेस करवा रही है सिर्फ अभी 999 रुपये में, जहां आपको बेहतरीन ढंग से वीडियो दिए जाएंगे, जहां आपको बेहतरीन ढंग से वीडियो दिए जाएंगे, आपको नोट्स दिया जाएगा। और यकीन मानिए ऐसा नोट्स, ऐसा वीडियो कहीं आपको नहीं मिलेगा। नोट्स वीडियो बुक और नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ MCQ प्रश्न भी मिलेंगे। उन्हें पूरी तरह से ये मेरी जिम्मेदारी ही कि आपको सफलता कैसे दिलानी है। आप पेपर वन और पेपर टू के लिए निश्चिंत रहेंगे, एडमिशन ओपन हो गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और वहीं से 999 रुपये का जो कोर्स है उसे परचेज कर लेंगे, जहां पेपर वन और पेपर टू का कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9771108032 पेज नंबर पे आप कॉल भी कर लेंगे अगर आपको जानकारी लेनी है तो, अन्यथा अगर आप कॉल भी करेंगे तो यही चीज़ है हम आपको वहाँ भी बताएंगे। इससे अच्छा ये भी होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस ऑफिशियल का ऐप है, वहाँ से चीज़ों को इंस्टॉल कर लेंगे। अब कन्यादान के जो कवि हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कवि से भी प्रश्न पूछते हैं। मूल नाम इनका है ऋतुराज और इनका जन्म 10 फरवरी 1940 ईस्वी को हुआ, 10 फरवरी 1940 ईस्वी को हुआ और ये भरतपुर में हुआ और भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। हालांकि इनकी जन्म जो हुई है 1940 ईस्वी में हुई है, लेकिन अभी जो ऋतु राज है वो जयपुर के संगानेर स्थित प्रताप नगर में रहते हैं। अभी भी ये जिंदा हैं और ये प्रताप नगर में रहते हैं, कहाँ, जयपुर के संगानेर स्थित प्रताप नगर में ये रहते हैं। देखिएगा इनकी कृतियां क्या क्या है, मतलब इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। कृतियां का मतलब यही है कि इनके कार्यों से ही तो इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं ना, इनके कुछ चीजों के बारे में और भी पढ़ लेते हैं। जयपुर में अंग्रेजी में MA की परीक्षा पास की और आजीविका मैंने अपना जीवन चलाने के लिए लगभग 40 वर्ष अपना जीवन MA तो वो पास कर लिए थे अंग्रेजी में वो MA पास किए थे,
जयपुर से, लेकिन फिर अपना जीवन चलाने के लिए वो 40 साल कौन ऋतुराज जी साहित्य पढ़ाया, अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ाए क्योंकि अंग्रेजी से वो एमए किए हुए थे, मास्टर की डिग्री उनके पास अंग्रेजी की ही थी, तो वो एमए भी किए अंग्रेजी से, 40 साल तक वो अंग्रेजी ही पढ़ाए। बाद में सेवानिवृत्त, मतलब वो बाद में वो सेवा देने के बाद वो चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल में बतौर भाषा विशेषक 3 वर्ष तक नौकरी की। देखिए वो चाइना में 3 साल तक वो नौकरियों किए, भाषा विशेषक थे। मैं अनगिरस उनके उनके द्वारा लिखा गया है, एक मरण धर्मा और अन्य चीजें भी लिखी गई है, कितना थोड़ा वक्त उनके द्वारा लिखा गया है। पुल पर पानी अबेकस नहीं प्रभो चंद्रोदय सूरत निरत लीला मुखारविंद आशा नाम नदी और अस्त्रिवंग उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उनकी कविताएं राजस्थान में स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाई गई है, मतलब राजस्थान में भी इनके चीज़ों को बेहतरीन ढंग से चीज़ों को पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाता है स्कूल और कॉलेज में भी। उनको देखिए सोमदत्त सम्मान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, परिमल सम्मान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, मीरा पुरस्कार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, पहल सम्मान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, बिहारी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है कन्यादान के कवि ऋतुराज जी को। तो यही थी बाबू आज की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, और यकीन मानिए जिस प्रकार से आपको लाइन बाय लाइन द यूनिक क्लासेस इस बार पढ़ा रहा है झारखंड पुलिस के लिए, 100% ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप अपना 1 सीट प्राप्त कर लेंगी। तो यही थी बाबू। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो द यूनिक क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वही टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। पीडीएफ भी अगर वहाँ कुछ होता है तो पीडीएफ यही टेलीग्राम चैनल पे ही वहाँ दिया जाता है, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। तो ठीक है, हो छुआ लोग इन बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।